तो टॉपिक का नाम है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। आपके एनसीईआरटी की बुकलेट का पेज नंबर 63 है। तो इसके अंदर ये गिवन है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, अब ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं कि जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। इनको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरा, फेरो या डाया, लक्कड़ का मटेरियल मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, इनके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है कि वो कैपिटल एम जनरेट करता है, EV/R/2 हमने किया, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एम जनरेट करता है। तो इनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं कि हर एटम कैपिटल एम जनरेट करता है, और जो एटम या कोई भी सब्सटेंस अगर कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट करता है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो एटम एटम नहीं है, वो एक मैग्नेट है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर अगर करोड़ एटम्स हैं तो 1 करोड़ मैग्नेट्स हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर मान लो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, वो इटसेल्फ एक छोटा मैग्नेट है। तो फिर लोहे का पीस क्यों है? फिर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? अगर करोड़ों एटम्स हैं उसके अंदर, करोड़ों मैग्नेट्स हैं, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि हर का कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक एटम का कैपिटल एम दूसरे एटम के कैपिटल एम के साथ क्या कर जाता है? कैंसल। तो जब वो कैंसिल करता है तो नेट अफेक्ट क्या आता है? जीरो। तो अगर करोड़ों एटम्स हैं तो करोड़ों एटम्स आपस में कैपिटल एम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कैंसिल, और नेट अफेक्ट क्या आ जाता है? जीरो। इसलिए लोहे का पीस है, वो मैग्नेट नहीं है। पर अगर आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो सारे कैपिटल एम, ये देखो कैपिटल एम को कैंसिल कर रहे हैं, चेंज बना के बैठे हुए हैं। ये चेंज बनाने का मतलब आपस में नेट रिजल्टेंट जीरो करना कैपिटल एम का। पर अगर आप इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो सारे के सारे एटम एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, सारे के सारे डायपोल एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, और दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सारे ऐड होके एक बड़ा कैपिटल एम देंगे। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक सब्सटेंस की? कि हर कोई मॉलिक्यूल इस मैग्नेटिक सब्सटेंस का, चाहे वो मैग्नेटाइज हो या ना हो, दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, सच दैट ये चेंज बना के रखे होते हैं, और कैपिटल एम आपस में कैंसिल करते रहते हैं ताकि नेट अफेक्ट इसका जीरो हो जाए। पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। नेक्स्ट है, जब आप मैग्नेटाइज करते हैं तो यही कह रहा है कि ये ऐसे अलाइन हो जाते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस मैग्नेटाइज सब्सटेंस को, जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इसे हीट करें, गर्म करें, तो गर्मी से ये एनर्जी लेंगे और जैसे नेचुरल तरीके से रहना पसंद करते हैं, ये वैसे ही चले जाएंगे। हीट लेने से इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी लेके ये ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और फिर से चेंज बना लेते हैं। तो इसका मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है एज यू हीट अ मैग्नेट। तो एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, आप मैग्नेट को जब गर्म करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिक्रीज ही देखा जाता है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करती जाती है। तो ये थ्योरी है किसकी? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म।